जय जगन्नाथ आमर स्वतंत्र उपस्थापना आउ एक मीरा को स्वागत करुच्छी मधुरी दर्शक बंधु से ओडिया नुहंते किंतु ओडिशा आउ ओडिशा भाषा पाई तांकर भल पाइबा अनेक जगन्नाथों भजन को अति निखुण भाव शिखाई आउ तांक कंठर ओडिया भजन को ढेर प्रशंसा करिछंते ओडिशावासी महाप्रभु को गीत गाई सोशल मीडिया रे से भी चर्चा रे श्रीक्षेत्र आसीपा महाप्रभु को अभड़ा तांको भारी भल लगे अण ओडिया होई मध्य जगन्नाथों प्रेम रे गाई ओडिया भजन तबे जदि आम ये कहवा जे दुनिया कहला मीरा कृष्ण को बड़ भक्त किंतु मीरा कहते कृष्ण ही तांको भगवान और स्वामी सेमती जगा भक्ति रे पागल भक्तिन सुरभि जहां मुहरे जगन्नाथों भक्तिर माधुर्य तबे तांको चलत स्वागत करिबा आउ तांको मुहर सुनिबा महाप्रभु जगन्नाथों ने तांको अनुभूति पहले तो भक्तिन सुरभि जी मैं आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करती हूँ भक्तिन जी हम लोग जानना चाहेंगे आप कैसे हैं भक्तिन जी हम लोग जानना चाहेंगे अभी आप कैसे हैं जानना चाहेंगे आप आपके मुंह से जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है जगन्नाथ जी की और ओडिया सब ओडिशा भक्तों की कृपा से आप सभी की कृपा से जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं और बस आप सबके आशीर्वाद से कृपा से ही बहुत अच्छे से दिन बीत रहा है बहुत अच्छे से है और ऐसे ही आप सब अपना कृपा बनाए रखना क्योंकि आप सबके कृपा के बिना जगन्नाथ जी का कृपा मिलना भी बहुत मुश्किल है। ओके भक्तिन जी हम लोग जानना चाहेंगे आप कहाँ से है बिकॉज आपको ओडिशा वासी ने इतना सारा प्यार दिया है तो ओडिशा वासी भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं। जी बिल्कुल सो एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ लेकिन मैं वेस्ट बंगाल में भी रहती हूँ और वृंदावन में भी रहती हूँ वृंदावन में मैं पढ़ाई करती हूँ एंड अभी मैं फिलहाल वेस्ट बंगाल में हूँ ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड कोविड सो अभी फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल में हूँ लेकिन मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में ही हुआ है एंड वेस्ट बंगाल वृंदावन दोनों जगह पे ही मैं रहती हूँ। ओके भक्तिन जी हम लोग जानना चाहेंगे आप जब ओडिशा आए थे तो ओडिशा में जो गाना गाए थे पूरी श्रीक्षेत्र धाम पूरी आए थे तो आप एक गाना गाए थे और वो गाना में दिख रहा था कि आप ओडिशा वासी और ओडिशा को कितना प्यार करते हैं और स्पेशली हम लोग कहना चाहेंगे कि आप जगन्नाथ जी को कितना प्यार करते हैं वो गाना से ही हम लोग सामने को आया है तो आपके मुँह से वो गाना फिर से हम लोग सुनना चाहेंगे और ये कार्यक्रम का हम शुरू करना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल तो वैसे तो पहले मैं बोलना चाहूंगी मते बहुत बोल रहे ओडिया आसुनी किंतु टिके टिके आसुची रही रही की वो कही पारुची बहुत बोल रहे आसुनी किंतु ओडिशा बासी को ओडिशा को मु बहुत भलो पाई आ ओडिया भाषा को भी मु बहुत भलो पाई तो ठीक अछि मु गाइबा को चेष्टा करूची तो कोई भी गलती हो गया हो तो प्लीज आप लोग माफ कर देना। जगन्नाथ हो যদি তম ঝিও হুঁতি জগন্নাথ হো মু যদি তম ঝিও হুঁতি সকাল উঠন্তি মুহ মুধুন্তি নরেন্দ্র জলরে যায় যেতে থর ভোগ সেতে মু খান্তি জগ মোহনরে থায় গাড়ি দিলে তমে ঋষি বসন্তি হসি দিলে পাদে লুটি যাতে মনকু সেতলে বাইশি পাহাচে উপর তলাকু গড়ি যাতে জগন্নাথ হো মু যদি তম ঝিও হুঁতি তুম বড় দাণ্ড ধুলিরে ঠাকুর করন্তি মু ধুলি থর ভক্ত পাদরে ভাঙ্গি যাব যদি কহিবি তুমি আগর ভাঙ্গি যাইলে কড়াই দেব হজি যাইলে খোঁজি আনিব মোর এই জীবন তুম চরণরে সবুদিন পাই টেকি দিয়ন্তি জগন্নাথ হো মু যদি তম ঝিও হুঁতি
जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी भक्तिन जी। भक्तिन जी, मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो हिंदी में बात करेंगे लेकिन ओडिया ओडिया भाषा रे मध्य कथा हवा काहे कि ना ओडिया वासी स्पेशली आमे जति कहबा छे ओडिसा वासी मध्य ढेर प्रशंसा करिसेंती आपन को तो ओडिया भाषा रे मध्य आमे कथा हवा को चाहिबा। तो भक्तिन जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि आप तो ओडिया नहीं है, तो ये जो आध्यात्मिकता है और ये जो जगन्नाथ के प्रति आपका दुर्बलता, ये कैसा है? जी, ये बात है कि हम लोग जगन्नाथपुरी जाते ही रहते हैं, लेकिन 2018 की मैं बात कर रही हूँ। 2018 में हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो तब क्या हुआ था, मैं सुन रही थी कि सब लोग ओडिया में बात कर रहे थे, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि तब मुझे कैसा लगा था। मुझे लगा था कि ये जो भाषा है ओडिया भाषा, इसके साथ मेरा कोई पहले का कनेक्शन है, जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो, जैसे कि मैं इस लैंग्वेज को बहुत सदियों से सुनती आ रही हूँ। और मुझे लगा, मुझे तो रोना आ गया था जब मैं सुन रही थी कि कोई लोग उड़िया में बात कर रहे थे लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि नहीं, ये लोग मेरे अपने लोग हैं और इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जबकि मेरा कोई रिलेटिव ओडिशा में नहीं रहता है, मेरे घर में भी कोई उड़िया नहीं है, बट फिर भी वो जो कनेक्शन है, वो जो फीलिंग मुझे आई थी जब मैंने पहली बार उड़िया में किसी को बात करते हुए सुना था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन हाँ, जगन्नाथ महाप्रभु से मैंने प्रार्थना किया था कि हे महाप्रभु, मुझे ये भाषा आप सिखा दो कैसे भी करके, क्योंकि ये जो ओडिया लैंग्वेज है इसके प्रति जो लगाव है, ये मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसे कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब मैंने पहली बार भक्तिन जी, हम लोग जानना चाहेंगे ये कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हम लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये जगन्नाथपुरी से ही स्टार्ट हुआ। जब मैं गई थी तो मैंने सुना कि सब लोग ओडिया में बात कर रहे थे, तो तब मुझे लगा कि मेरा इस लैंग्वेज के साथ जैसे पहले पिछले जन्म का कोई कनेक्शन सा है, और इस जन्म के साथ मेरा इतना, इस भाषा के साथ मेरा इतना लगाव हो गया था, इतना अटैचमेंट हो गया था कि मैं इसको मतलब एक्सप्रेस करके बता नहीं सकती। मैंने बस एक ही प्रार्थना किया था महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, मुझे बस आप उड़िया सिखा दो, मुझे आपसे उड़िया में बात करनी है, और मुझे आप थोड़ा सा एटलीस्ट सिखा दो ताकि मैं समझ पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। लेकिन जगन्नाथ जी तो अंतर्यामी है, कृपालु है, सब भक्तों की सब बात सुनते हैं। वैसे तो मैं भक्त नहीं हूँ लेकिन भक्त बनने का प्रयास करती हूँ। जगन्नाथ जी से उस दिन दिल से बोला था कि हे महाप्रभु, मुझे आप ये लैंग्वेज जो है ये सिखा दो। तो पता नहीं कैसे ये मैजिक जैसा हो गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जब गए थे 2021, यही इसी मंथ में हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहां पे जाने के बाद अभी 2018 में वहां से वापस आने के बाद मैंने सिर्फ भगवान से बोला था, जगन्नाथ जी से बोला था, लेकिन बाकी जो ओडिया सिखाना है ये सब अरेंजमेंट जगन्नाथ जी ने कर दिया था, मैंने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया था, सब जगन्नाथ जी ने इसका सारा इंतजाम कर दिया था कैसे मुझे ओडिया सीखना है, क्या सीखना है। तो थोड़ा बहुत ओडिया अभी मैंने सीख लिया है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ और हाँ, बोल भी सकती हूँ। तो बस ओडिया भजन सुन सुन के उसको थोड़ा थोड़ा समझना, एंड ओडिया वीडियोस देख देख के, मतलब ओडिया जब भी कोई बात करते किसी को सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं, ये तो मेरा बहुत पास है, ये मेरा बहुत कोई अपना है जिसको मैं बहुत सदियों से पिछले जन्म से जानती हूँ। ओके भक्तिन जी, जब गई इतना सारा लैंग्वेज है बट आपने ओडिया को क्यों चूज किया और ओडिया सीखने का ये जो माइंड को आपको कैसे आया? जी बिल्कुल, एक्चुअली बात ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे जगह है, बहुत सारे स्थान है, लेकिन पृथ्वी में इतने सारे स्थान होने के बाद भी जगन्नाथ जी ने ओडिशा को चूज किया कि जगन्नाथ जी ओडिशा में आएंगे, जगन्नाथ जी वहां पे नित्य विराज करेंगे, नित्य प्रतिदिन अपने भक्तों के साथ लीला करेंगे। अब ये बात मैंने ओडिशा को क्यों चूज किया, इसका जवाब मैं देती हूँ। एक जो भक्त होता है वो उसका, वो जितना भी कीर्तन कर ले, जप कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक वो भगवान की छवि को अपने दिल में नहीं बैठा सकता है तब तक उसने जो जो किया है वो सब बेकार है। तो मैंने अपने जगन्नाथ जी का जो छवि है उसको अपने हृदय में बैठा लिया है। अब जब जगन्नाथ जी जो श्री क्षेत्र नाथ है उनको जब मैंने अपने हृदय में बैठा दिया है, तो श्री क्षेत्र वासी और श्री क्षेत्र धाम, इसको मैं कैसे ना बैठाऊ। तो जगन्नाथ जी जहाँ पे नित्य प्रतिदिन लीला करते हैं, जगन्नाथ जी से अगर मैं प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ, तो जगन्नाथ जी जिस स्थान पे लीला करते हैं उस स्थान को मैं कैसे प्यार ना करूँ, उस स्थान से प्रेम ना करके रहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए मैं जब भगवान से प्रेम करती हूँ तो भगवान से रिलेटेड है ये जगन्नाथपुरी ओडिशा, भगवान से, जगन्नाथ जी से रिलेटेड है, इसलिए मेरा जगन्नाथ जी से रिलेटेड है, इसलिए मेरा इस लैंग्वेज के प्रति इतना अट्रैक्शन है, इतना अटैचमेंट है। ओके भक्तिन जी, आप तो ओडिया समस्त है तो मैं ओडिया में बात कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, मैं जानना चाहती हूँ भक्तिन जी, आप तो श्री कृष्ण भक्त थे, परवर्ती समय महाप्रभु का
जो महाप्रभुंका आडको आपनकर जो आकर्षण हला ये कि भली थिला एक्चुअली कलयुग में भगवान हमारे पास तीन रूप में है जी। पहले नाम रूप है हरि नाम के रूप में, फिर शब्द ब्रह्म के रूप में यानी कि भागवतम, और थर्ड है दारू ब्रह्म यानी कि जगन्नाथ जी के रूप में। अब जगन्नाथ जी है प्रेम पुरुषोत्तम, तो जगन्नाथ जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन के भगवान श्री राम के रूप में आए थे, और जगन्नाथ जी ही लीला पुरुषोत्तम बन के भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे, और अभी प्रेम पुरुषोत्तम बन के हमारे पास आए हैं। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो मंदिर के अंदर जाके जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं हमने क्या ऐसा भगवान देखा है पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो खुद चल के बाहर आता है भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने भाई बहन के साथ? ऐसा कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। इतना कृपालु प्रेम पुरुषोत्तम हमारे जगन्नाथ महाप्रभु जो खुद चल के अपना श्री विग्रह मूल विग्रह भगवान का कभी भी हम बाहर आते नहीं देख पाते, लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु है कि वो भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के टाइम पे बाहर आते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और जगन्नाथ महाप्रभु के साथ मेरा अलग ही अटैचमेंट है, उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो एक अलग ही फीलिंग है जी। दुनिया में ऐसे और भी मंदिर है जो हम लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, लेकिन ये एक महाप्रभु है जो कि विश्व में एक ही है जो कि खुद अपनी गादी छोड़कर रास्ते में आ जाते हैं, बड़दांड को आ जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये अलग है, लेकिन जानना चाहेंगे भक्तिन जी आपके मुँह से, आपका ये जो गाना था, ये जो भक्ति था, ये जो भाव था, तो कहीं ना कहीं आप जगन्नाथ जी को कितना प्यार करते हैं ये तो बयान करता है, तो आपके मुँह से और एक गाना सुनना चाहेंगे। जी तो वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि मते बहुत भलरे ओडिया आसुनी, किंतु रोही रही कि कहुची, किंतु मते भय लागुची बेले बेले कि जदी किछि भूल वर्ड मु कही तो सेती पाई। तो जी आपनकर एई ओडिया भाषा को ओडिसा वासी ढेर भलो पाई पाते छंती, बहुत बहुत धन्यवाद। मो हाथे रही थिले गीता भागवत, मो हाथे रही थिले गीता भागवत, मते लगे धरिछि मुकु प्रभु तुम हाथ, मते लगे धरिछि मुकु प्रभु तुम हाथ, सकाल संचारे ठाकुर घरे गीता भागवत नीति पढ़े, पढ़ुथिबा बेले भाव भक्ति रे तुमे दिसे जा पुथी भीतरे, मु आखिलु हटाले होई पुलकित, मु आखिलु हटाले होई पुलकित, चौदिके चहटई श्रीअंग सुगंध, चौदिके चहटई श्रीअंग सुगंध। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तिन जी आपको। भक्तिन जी ये जो गाना था ये तो कहीं ना कहीं ओडिशा वासी को यही आकृष्ट करता है, और आपका ओडिया भाषा स्पेशली ओडिया भाषा ही भक्तिन जी कर कोटि ना कोटि ओडिशा वासी को ढेर पसंद आसी और ढेर मध्य प्रशंसा करी। भक्तिन जी जानिया को चाहिबो आपन को मोहरो, आप पूरी आए कोविड सिचुएशन लॉकडाउन उसके बाद आप पूरी आए श्रीक्षेत्र आए, जगन्नाथ जी को आपने दर्शन किए, कितने पास थे आपके वो? पास से तो दो दिन पास से दर्शन हुआ था, लेकिन बाकी दो दिन दूर से ही, अमावस्या था और संक्रांति था तो बहुत भीड़ थी तो दूर से ही दर्शन मिला था, लेकिन अभी जो रेस्ट्रिक्शंस है, इतने सारे बैरिकेड है, उसके अंदर से इतने सारे भक्त इतने भीड़ में जाते हैं, और फाइनली जब जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता है तो इतना सुकून अंदर से आता है, वो जिसको दर्शन मिलता है उसी को पता है कि इतना जो हम भीड़ में जा रहे हैं तो उसमें कोई दुख नहीं है या कुछ, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि नहीं इतना भीड़ में खड़े हैं क्यों खड़े हैं, वो एक अलग ही शांति है, मन की सुकून है कि हाँ अब इतने देर हम खड़े हैं लाइन में या इतने देर दर्शन के लिए अब जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन मिलेगा।
और एक चीज की जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन सबको थोड़ी ना मिल सकता है, वो तो जगत का नाथ है। तो जी बिल्कुल उन्होंने जी कृपा बिल्कुल करके हमको अपने धाम में बुलाया और दर्शन दिया, यही बहुत सौभाग्य की बात है कि उनका दर्शन हमें मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जगन्नाथ जी के धाम में कदम तक रखना और उनका दर्शन करना, ये मैं बता नहीं सकती कि जगन्नाथ जी की कितनी ज्यादा कृपा है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जगन्नाथ मंदिर आ गए हैं या जगन्नाथपुरी आ गए हैं, दर्शन किए जगन्नाथ जी का, बस अपने काबिलियत से हम आए हैं, हमारे तरफ से ये एफर्ट हमने लगाया है। लेकिन ये हम नहीं समझ पाते हैं कि सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि श्री क्षेत्र में वो कदम तक रखे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है जी क्योंकि बिल्कुल वो जी बिल्कुल, स्वयं आपने वैकुंठ। एकदम सही कहा। लेकिन जानना चाहेंगे भक्तिन जी आपके मुंह से, जब आप अंदर के महाप्रभु के पास में थे और आंख में आंख मिला रहे हैं आप दोनों, तो कैसा लग रहा था उसी वक्त, कैसा फीलिंग्स था अंदर का फीलिंग्स था? क्योंकि हम लोग जब जाते हैं अंदर को तो कहीं ना कहीं हम लोगों को स्पेशली फील होता है जी। ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये हम लोगों को सारा उड़ीसा वासी समस्तों का मुझे तो कहे भाई ये हो चाहे फीलिंग्स आसी था जे हमें नॉर्मली हमें देखी चु जे लोमो हमारे टांकुरी उठे। एवं भक्तिन जी हम लोग ये कहना भी चाहेंगे कि अगर ये जो आंख में पानी भी आ जाता है और ये आंसू को हम लोग नहीं रोक पा रहे उस वक्त, तो आपका ये फीलिंग्स आपको महसूस कैसा हुआ था, ये जो फीलिंग्स था कैसा था थोड़ा बयान कीजिए। मैं बता ही नहीं सकती कैसा फीलिंग था। और मुझे सच में लग रहा था जो गाने में मैंने बोला कि जगन्नाथ हो मु जदि तमो जियो हुअन्ति, तो मते सेते वेले लागू थिला कि मु सत्तरे जगन्नाथ जी को मतलब जगन्नाथ महाप्रभु को जियो हो जाइछि। क्योंकि ओडिशा वासी ने और श्रीक्षेत्र धाम वासियों ने जगन्नाथ महाप्रभु ने इतना मुझे प्यार दिया उस भजन के बाद, स्पेशली जब मैं गई थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा कि हाँ जगन्नाथ जी ने सच में मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि डायरेक्ट तो भगवान हमारे पास नहीं आते, भक्तों के माध्यम से आते हैं या अपने लीलाओं के माध्यम से। और वो चीज मैंने फील किया कि हाँ मैंने जगन्नाथ जी से बोला कि मैं आपका बेटी बनना चाहती हूँ, और जगन्नाथ जी ने वो जो मेरा निवेदन है, मेरा जो रिक्वेस्ट है, उसको स्वीकार कर लिया। और जगन्नाथ जी ने अपनी बेटी के रूप में भी मुझे स्वीकार कर लिया, जबकि मेरे में एक्चुअली कोई योग्यता नहीं है, ना मैं भक्त हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना मैं धामवासी हूँ। लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी ने अपने पास कृपा करके मुझे बुलाया, उनका दर्शन दिया। उनका दर्शन मिलना ही कितने जन्मों का सौभाग्य है कि उनका दर्शन, कितने सारे मुनि ऋषि तपस्वी देवताएं तपस्या करते हैं जगन्नाथ जी का एक झलक दर्शन पाने के लिए। तो उस महाप्रभु का जो पूरे जगत का नाथ है, उनका जो मैंने दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद जो लगा उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उसमें तो आंखों से आंसू अपने आप अंदर से आ जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भक्तिन जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आम कह रखु जी ये हूँ भक्तिन जी जी की आम सहित भक्तिन सुरभी जी की आम सहित जोड़ी रही थे सीधा सड़क, जी की ढेर सारा ओडिशा वासी तरफ विशेषकर ढेर सारा भल पाइबा मिली कौटना कौटी ओडिशा गीत गाइबा और ओडिशा को आसवा भजन गीत गाइबा जगन्नाथ भजन गाइबा जगन्नाथ प्रेम में पड़ा, तो ये कौटना कौटी आम जी कह दर्शक को बेस पसंद आसी सहित जी ओडिशा वासी थे से ढेर पसंद आसी। तो ये कही रखिबू जी मीराबाई एमती थे जी कि भगवान श्रीकृष्ण का सबुठ बड़ भक्त थे जी कि कृष्ण निजर पूरा जीवन को समर्पित करदे थे मीरा जी कि पगल थे कृष्ण प्रेम में मात्र 6 वर्ष बयस कृष्ण प्रेम में पड़ जाते मीरा समय पढ़ा सह आहरी बढ़ीला कृष्ण भक्ति दुनिया कहला मीरा कृष्ण बड़ भक्त किंतु मीरा कहते कृष्ण ही भगवान और स्वामी सेमती जगा भक्ति में पगल भक्ति सुरभी जी कि अण ओड़िया जगन्नाथ प्रेम में गई अनेक भजन गीत और अनेक भजन गीत से बर्तमान समय गाई शुणाइले। तेज बर्तमान समय सरी आम स्वतंत्र उपस्थापना को ये रखुच नमस्कार।